भगवान शिव की उपासना को हर घर तक पहुंचाने का माध्यम बने सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से इंदौर में 24 से 30 नवंबर तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा को व्यवस्थित पंडाल में बैठकर एक साथ 1.5 लाख लोग सुन सकेंगे। इस आयोजन को शहर का पहला सबसे भव्य आयोजन बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। यह जानकारी इस आयोजन के सूत्रधार विधायक संजय शुक्ला ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव पुराण कथा के माध्यम से भगवान शिव की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज तो हालात यह है कि घर घर में महिलाएं लाइव प्रसारण से टीवी चैनल के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का श्रवण कर रही है। इस कथा में उनके द्वारा जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए बताए जा रहे शिव भक्ति के कार्य कर रही हैं। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले दलाल बाग में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा का आयोजन 24 से 30 नवंबर तक किया गया है। इस आयोजन को शहर का पहला सबसे बड़ा और सबसे व्यवस्थित आयोजन बनाने के लिए तैयारी की जा रही है या तैयारियां अंतिम चरण में है। हमने 24 से 30 नवंबर तक की हम आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे देश के पथिक कथावाचक हैं, तो शिव पुराण जी की कथा करते हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पर दलाल बाग इंदौर में शहर के अंदर उनकी पहली बार कथा होने जा रही है। इतनी बड़ी भव्य कथा होने जा रही है, हम चाहते हैं इसका इतिहास बने। हमने 4 से 5 लाख लोग आने की उम्मीद है हमको, और इंदौर शहर का ये सबसे बड़ा आयोजन होने की हमको संभावना है, तो उसके लिए हमने पूरी पर्याप्त व्यवस्था करी है। 4 लाख फीट का पंडाल बनवाया, उसके अलावा हमने यहाँ पर पानी की व्यवस्था करी है, शौचालय की व्यवस्था करी है, इसके अलावा मेडिकल दवाई की व्यवस्था करी है, हर चीज़ जो ज़रूरत होती है उसकी हम सबकी व्यवस्था करी है। और हम चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसका जो उसका पुण्य कमाएँ। हमने आदरणीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विधायक, सांसद, कांग्रेस के सब, हमने सभी लोग बुलाया, समाज के जो वरिष्ठ लोग उनको ही बुलाया, और विधानसभा वाइज हमने आरती की व्यवस्था भी करी। विधानसभा एक के अंदर जब भी आरती होगी, शाम को भी आरती होगी, तो रोज 2 या 2.5 वार्ड के रोज आरती भी होगी, जिससे हम चाहते हैं कि हर आदमी आरती कर सके और सब गुरु जी के पास आशीर्वाद ले सके। और 23 तारीख को 3:30 बजे से उनका भव्य नगर आगमन रखा गया, और शाम को 23 तारीख शाम को ऐतिहासिक हम चाहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, 40,000 लोगों का हमने यहाँ रामायण पाठ के सुंदरकांड की व्यवस्था रखी गई यहाँ पर।